विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय कोटा के हिंदी विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत जो पद्य भाग है उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान और उनकी कविता झांसी की रानी के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता पर, इस पाठ पर हमारी यह चौथी चर्चा है और इसके अंदर हम झांसी की रानी कविता के जो शेष पद्यांश है उनका अर्थ, व्याख्या और विश्लेषण करेंगे। इस चर्चा में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो पूर्व की चर्चा की भांति ही है, जिसमें शब्दार्थ और भावार्थ एवं व्याख्या विश्लेषण करेंगे। पूर्व की चर्चाओं में हमने झांसी की रानी कविता के पदों का अध्ययन किया था और उसमें उनकी व्याख्या और विश्लेषण किया था। इस बार भी हम प्रत्येक पद का शब्दार्थ, उन शब्दों के अर्थ को जानेंगे, पद्यांशों के भावार्थ और व्याख्या विश्लेषण करेंगे। तो चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि पूर्व की चर्चाओं में हमने आपको बताया कि झांसी की रानी कविता एक महत्वपूर्ण कविता है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समय यह कविता स्वाधीनता आंदोलन में त्याग और बलिदान की भावना से समर्पित स्वतंत्रता सेनानियों में राष्ट्र के प्रति त्याग और समर्पण की भावना को उद्वेलित करने वाली कविता है। और इस दृष्टि से सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना की महत्वपूर्ण उद्घोषक कवयित्री है। और इस कवयित्री की अगर हम समकक्षता की बात करें तो जिस तरह से हिंदी में प्रथम राष्ट्र कवि है, दूसरे प्रथम राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त है, फिर इसी काव्यधारा में दिनकर आते हैं जो अनल के कवि और युगचारण के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं के ये समकक्ष ठहरती है, उनकी बराबर ही इनका महत्व है। तो आइए देखते हैं हम झांसी की रानी कविता के शेष पद्यांशों का अध्ययन करते हैं, उनकी व्याख्या और विश्लेषण करते हैं। देखिए 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये कविता लिखी गई है और इस पद में 1857 की जो क्रांति है वो किस प्रकार से एक देशव्यापी क्रांति बन गई थी, देशव्यापी चेतना का पर्याय बन गई थी, जिसमें राजा महाराजा नवाब आम जनता सभी वर्गों ने एक प्रकार से अंग्रेजों से मुक्ति के लिए मोर्चा खोल दिया था। तो देखिए हम पढ़ते हैं, महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का क्या योगदान रहा, किस त्याग और समर्पण के साथ उन्होंने इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपनी आहुति दी थी, अपना त्याग और बलिदान प्रस्तुत किया था, उसी पर आधारित ये कविता है, ये पद्यांश है। यहाँ पर शब्दार्थ देखिए, ज्वाला अर्थात आग की लपटें, अंतरतम यानी कि हृदय से, हृदय की गहराई से, चेती अर्थात सावधान और सजग हो जाने से, झोपड़ी
अर्थात झोपड़ी में रहने वाला आम जन, साधारण जनता, गांव गांव तक की जनता, उकसाना यानी कि भड़काना। भावार्थ देखिए, सन 1857 की क्रांति एक देशव्यापी क्रांति थी, वह स्वाधीनता के लिए जन जन का आह्वान था, जन जन का आक्रोश था जो समूचे देश में फूट पड़ा। कहने का तात्पर्य यह कि जिस प्रकार से अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को मात्र सैनिक विद्रोह कह करके ठुकरा दिया था, यह कविता उस आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में चित्रित करती है, स्वाधीनता आंदोलन के रूप में चित्रित करती है, और देश का प्रत्येक व्यक्ति इसमें शरीक था, भागीदार था, उसका जिक्र ये कविता करती है। इस क्रांति में पूरा देश भागीदार था। कवयित्री कहती है कि महलों में रहने वालों ने इस आग को रोशन किया, अर्थात राजा महाराजाओं ने, नवाबों ने इस आग को एक प्रकार से रोशनी दी, इसे जन जन तक पहुंचाने का काम किया, और झोपड़ी में रहने वालों ने इसकी लपटों को तेज किया, अर्थात इस क्रांति की आग को दुगना कर दिया। स्वतंत्रता की यह चिंगारी देशवासियों के हृदय से आई थी, अर्थात उनके हृदय में जो ठीस थी, जो दुख वेदना और संतरास था, ये उसी का परिणाम थी। क्रांति की लहर ने झांसी और दिल्ली को सावधान कर दिया, अर्थात झांसी और दिल्ली में भी क्रांति का अलख जगा दिया गया था। लखनऊ को भी इसने अपनी लपटों में ले लिया, अर्थात लखनऊ में भी ये क्रांति बराबर दिखाई दे रही थी। मेरठ, कानपुर और पटना में भी क्रांति की धूम थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ चिंगारियां भड़क रही थी। ये कहानी हमने बुंदेलों के मुँह से सुनी है। इस क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, अतः अंग्रेजों को अकेले ही कई बार हराया था, कई बार परास्त किया था, कई बार शिकस्त दी थी। उसकी वीरता की यह अमर गाथा है, या उसकी जो वीरता की गाथा है वह अमर है, और यहाँ जन जन के मुँह में वह है। अगला पद देखिए, स्वतंत्रता इस महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धूदू पंत, तांतिया, चतुर अजमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कविता का यह महत्वपूर्ण पद है। शब्दार्थ देखिए, महायज्ञ यानी कि महान एवं पवित्र कार्य, और इसके लिए किया गया बलिदानी कार्य, वीरवर अर्थात बहादुर, काम आना अर्थात शहीद होना, अभिराम अर्थात सुंदर, सरनाम यानी प्रसिद्ध, गगन अर्थात आकाश, जुर्म अपराध, कुर्बानी बलिदान। भावार्थ देखिए, 1857 की क्रांति में एक से एक बढ़कर स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया, लेते हुए अपना बलिदान दिया था। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने यहाँ उन्हीं वीर शहीदों की कहानी प्रस्तुत की है। 1857 की क्रांति में जो बलिदान देशवासियों ने दिया, वह किसी भी देश के लिए गर्व की बात हो सकती है। 1857 की क्रांति ने जन जन में जो एकता का और राष्ट्रीयता का उदाहरण प्रस्तुत किया था, अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध उठ खड़ा होने का जो साहस प्रस्तुत किया था, वह सभी के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए ऐसी बात होना गर्व की बात है। लेकिन अंग्रेजों ने
इस बलिदान को जुर्म और देशद्रोह के रूप में माना था। कवयित्री कहती है कि स्वतंत्रता के इस महान और पुनीत कार्य में कई वीर वर बहादुर काम आए अर्थात शहीद हुए थे। इनमें नाना धुदुपंत, तांतिया और चतुर अजमुल्ला प्रसिद्ध है। साथ ही अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आज़ादी के वीर सिपाहियों के नाम भी भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। इन्होंने जो त्याग और बलिदान दिया, अपने त्याग और बलिदान के माध्यम से स्वतंत्रता का जो मार्ग प्रशस्त किया, वह हमेशा भारत के इतिहास में अमर रहेगा। परंतु इनका ये बलिदान उस समय अंग्रेज़ों की नज़र में अपराध था और देशद्रोह था। जैसा कि हमने पूर्व में भी इस बारे में आपको बताया कि अंग्रेज़ों ने इसे मात्र एक सैनिक विद्रोह के रूप में चिन्हित किया था और देश की एकता और जागृति को उन्होंने एक प्रकार से नज़रअंदाज किया था, धूल धूसरित करने का प्रयास किया था। लेकिन झांसी की रानी कविता इस सत्य का उद्घाटन करती है और देशवासियों को जागृत करती है और इस स्वतंत्रता की अलख को आगे तक ले जाती है, इसके मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करती है, देश की स्वतंत्रता तक, इसको स्वतंत्रता के अंजाम तक इस चेतना को पहुंचाने का प्रयास अपनी कविता के माध्यम से करती है। बुंदेलवासी हमें 1857 की वह कथा सुनाते हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी रूप में अंग्रेजों से डटकर लड़ी थी। अगला पद देखिए, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदान में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवयित्री 1857 की क्रांति का दृश्य हमारे सामने निरंतर गत्यात्मक रूप में प्रस्तुत कर रही है और अचानक कवयित्री झांसी के मैदान की तरफ मुड़ती है। झांसी के मैदान में क्या हो रहा है इसका वर्णन आगे वह करती है। तो सबसे पहले देखिए शब्दार्थ, गाथा अर्थात कहानी, वीर योद्धाओं से संबंधित जो गाथा है या उनकी प्रशस्ति है, उनकी यश गाथा है, उससे यहाँ इसका अर्थ है। मर्द अर्थात पुरुष, मर्दानों अर्थात पुरुषों में, द्वंद अर्थात युद्ध, असमानों में अर्थात गैर बराबरी वालों में, असमानता वालों में, जख्मी अर्थात घायल, हैरानी अर्थात आश्चर्य। भावार्थ देखिए, कवयित्री इस कविता में निरंतर गत्यात्मक दृश्यात्मक रूप में जोश के साथ 1857 की क्रांति तथा उसमें भारतीय वीर योद्धाओं के बलिदानी स्वरूप का वर्णन करती हुई अचानक झांसी की ओर मुड़ जाती है, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक प्रकार से युद्ध का ऐलान कर दिया था। कवयित्री कहती है कि अन्य वीरों की कहानी छोड़कर, अन्य दृश्यों को छोड़कर, अब हम झांसी के मैदान की तरफ चलते हैं, उसकी तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि जो रोमांचक नज़ारा है वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का, रणकौशल का, त्याग और बलिदान का, साहस और वीरता का जो दृश्य है वो झांसी में ही देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें झांसी चलना चाहिए, अर्थात कवि कवयित्री कविता को झांसी पर, रानी लक्ष्मीबाई पर अब केंद्रित करती है। जहाँ लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच में किसी वीर पुरुष की भांति खड़ी है, अंग्रेज़ों से लड़ रही है, उनसे लोहा ले रही है, झांसी में जो ही रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोला, उसी समय लेफ्टिनेंट वाकर युद्ध के लिए आ पहुंचा और सैनिकों के बीच से आगे बढ़ने लगा। उधर
रानी लक्ष्मीबाई ने भी तलवार खींच ली और उन दोनों के बीच युद्ध होने लगा, जिनमें कोई समानता न थी। रानी लक्ष्मीबाई का रण कौशल जबरदस्त था। रानी लक्ष्मीबाई के रण कौशल और वाकर के रण कौशल के बीच में कोई समानता नहीं थी। अगर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रण कौशल है वह बहुत उच्च स्तर का था और वाकर एक निम्न स्तर का व्यक्ति था, इसलिए इनमें कोई समानता नहीं थी। रानी की वीरता के सामने वाकर टिक न सका और घायल होकर हतप्रभ सा भाग खड़ा हुआ। कवित्री कहती है कि बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने उसी वीर योद्धा स्त्री के पौरुष की कथा सुनी थी, अर्थात या सुनी है, जो जमकर अंग्रेजों से लड़ी तथा उन्हें पराजित किया, उन्हें शिकस्त दी। अगला पद देखिए। रानी बड़ी कालपी आई कर सो मील निरंतर पार, धो घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई केवल अपनी झांसी को ही मुक्त नहीं कराती है, बल्कि उसका अभियान पूरे राष्ट्र को अंग्रेजों के शिकंजे से मुक्त कराना था, इसलिए वह कालपी की तरफ ग्वालियर की तरफ बढ़ती है और ग्वालियर तक को मुक्त कराती है अंग्रेजों से लोहा लेते हुए। उसी संपूर्ण दृश्य का वर्णन इस पद में किया गया है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण दुखद घटना है वह यह है कि निरंतर 100 मील तक चलने के बाद चलने के कारण रानी का जो घोड़ा था, जो रानी की हर तरह की बात को समझता था, इशारे पर काम करता था, इशारे पर चलता था, वह निरंतर 100 मील चलने के कारण थक कर मर गया था। यह बड़ी दुखद घटना थी। शब्दार्थ देखिए। निरंतर अर्थात लगातार, भूमि धरती, स्वर्ग सिधार यानी कि मर जाना। भावार्थ देखिए, व्याख्या विश्लेषण देखिए। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में अंग्रेजों को परास्त कर यहाँ से 100 मील दूर चलकर कालपी जा पहुँची, जहाँ यमुना के किनारे अंग्रेजों को परास्त कर ग्वालियर पर अधिकार किया। इसी घटना का वर्णन करती हुई कवयित्री ने इन पंक्तियों में उसी घटना का वर्णन किया है। कवयित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी में अंग्रेजों को मात देकर आगे बढ़ी और लगातार 100 मील तक घोड़ा दौड़ाते हुए कालपी पहुंची। घोड़ा इस संघर्षपूर्ण यात्रा से थककर धरती पर गिर पड़ा और मर गया। यमुना किनारे रानी ने फिर से अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, जिसमें रानी ने अंग्रेजों को हराया, उन्हें परास्त किया। विजय होकर रानी आगे बढ़ी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। वहाँ के राजा सिंधिया अंग्रेजों के मित्र थे, वे अपनी राजधानी छोड़कर रानी लक्ष्मीबाई के आक्रमण के कारण भयभीत होकर छोड़कर वहाँ से भाग खड़ा होता है, ग्वालियर को छोड़ देता है और ग्वालियर पर रानी अपना अधिकार कर लेती है। बुंदेलों के मुख से हमने वीरतापूर्वक लड़ने वाली उस महान रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी, कवयित्री कहती है, अर्थात मैंने उनकी जो कहानी है वह लोगों के मुंह से सुनी थी, अर्थात रानी की बहादुरी की जो कहानियाँ हैं वह लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई थी। आगे अगला पद देखिए। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुखी खाई थी, काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हियोज आ गया हाय, घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो
झांसी वाली रानी थी। आगे शब्दार्थ देखिए, सन्मुख अर्थात सामने, मुंह की खाई अर्थात मात खाना, परास्त होना, सखियां अर्थात सहेलियां। भावार्थ देखिए, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि ग्वालियर में विजय प्राप्त कर, ग्वालियर पर विजय प्राप्त कर उस पर अधिकार भी कर लिया, लेकिन रानी के आगे बढ़ने पर फिर अंग्रेजों की सेना ने उन्हें घेर लिया था, अर्थात उन अंग्रेजों से फिर उनका सामना हो गया। इस बार उनका सामना जनरल स्मिथ से हुआ, उसे भी रानी ने परास्त किया। रानी के साथ उनकी सहेलियां कान्हा और मंदिरा भी थी। युद्ध के मैदान में उन दोनों सखियों ने भारी तबाही मचाई थी, भारी मारकाट मचाई थी, अंग्रेजों की सेना को हतप्रभ कर दिया था, अंग्रेजी की सेना में भारी मारकाट मचा दी थी। लेकिन तभी पीछे से सैनिकों के साथ हियोज आ धमका और रानी दुश्मनों से अचानक घिर गई। कवयित्री कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा हमने बुंदेले हर बोलों के मुँह से बराबर सुनी है और उनकी सुनी हुई कथा को यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। अगला पद देखिए, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह विकट विषम अपार, घोड़ा आया नहीं घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंघनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। शब्दार्थ देखिए, सैन्य अर्थात सेना, विषम अर्थात कठिन, अपार जिसे पार न किया जा सके, अड़ा यानी कि रुक गया, बहुतेरे यानी कि बहुत सारे, वार हमला, सिंघनी शेरनी, वीरगति अर्थात शहादत। पद का भावार्थ देखिए, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई के साहस वीरता संघर्ष और बहादुरी का वर्णन करते हुए कहती है कि हियोज की अंग्रेज सेना से घिरी होने पर भी रानी ने अंग्रेजों के बीच भारी मारकाट मचाई और संघर्ष करती हुई शत्रु सेना को पार कर आगे बढ़ गई। तभी सामने एक नाला आ गया। इस संकट को पार करना अत्यंत कठिन था क्योंकि उनका घोड़ा नया था और वह अड़ गया, अर्थात वह जो कि आगे नहीं बढ़ा। इतनी देर में अंग्रेज घुड़सवार आ पहुँचे और अकेली रानी अनगिनत शत्रुओं से लड़ने लगी और वहाँ पर वार होने लगे। अंततः शेरनी के समान रानी घायल होकर गिर पड़ी। आखिर ऐसी विकट परिस्थिति में उसे देश के लिए शहीद होना ही था। बुंदेलवासी अंग्रेजों के साथ जमकर लड़ने वाली उस वीर पराक्रमी रानी की कथा हमने बुंदेलवासियों के मुँह से सुनी थी, या रानी की वीरता की कहानी बुंदेलवासियों के कंठ पर रहती है, वे सुनाते रहते हैं, वे गाते रहते हैं, वहीं से मैंने उनके बारे में जाना, उनके बारे में, उनकी वीरता के बारे में सुना। अगला पद है, रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, तभी अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। शब्दार्थ देखिए, सिधारना यानी कि मृत्यु को प्राप्त होना, दिव्य यानी अलौकिक जो इस लोक का नहीं है, तेज यानी कि आभा,
मनुज मनुष्य, अवतारी ईश्वर का रूप, पथ यानी कि रास्ता दिखा गई यानी कि बता गई या प्रशस्त कर गई। भावार्थ देखिए, पौरुष और शौर्य की धनी रानी लक्ष्मीबाई शत्रु को मात देकर भी अद्भुत पराक्रम दिखाती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। वह चिता के माध्यम से दिव्यता की सवारी करते हुए स्वर्गारोहण हुई, अर्थात चिता पर ही उसकी सवारी निकली। उसका तेज अग्नि में मिल गया, सही अर्थों में वह तेज की अधिकारी थी। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उसने जो किया वो कोई साधारण मनुष्य का काम नहीं था, या कि साधारण मनुष्य ऐसा अद्भुत कार्य नहीं कर सकता। वह अवश्य ही ईश्वर की कोई प्रतिरूप थी, ईश्वर की ही कोई प्रतिनिधि थी, ईश्वर के द्वारा भेजी गई कोई दूत थी, जो स्वतंत्रता की देवी बनकर हमारे सोए हुए मस्तिष्क को जगाने आई थी। वह हमें स्वतंत्रता और संघर्ष का रास्ता दिखाकर चली गई। हमें जो शिक्षा देनी थी, यानी कि हमें जिस प्रकार से जगाना था, भारतवासियों को जिस तरह से जगाना था, वो जगाकर चली गई, वो संदेश देकर चली गई। ऐसी रानी हमेशा अमर रहेगी देश के इतिहास में। जब भी स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किया जाएगा तो रानी लक्ष्मीबाई को कभी भुलाया नहीं जा सकता, विस्मृत नहीं किया जा सकता। बुंदेलवासी आज भी हमें उसकी वीरता की, शौर्य की, त्याग और बलिदान की कथा सुनाते हैं। इस प्रकार आपका ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगली चर्चा भी झांसी की रानी कविता के शेष पद, जो कि मुश्किल से एक पद दो पद बचे हैं, उन्हीं का अध्ययन किया जाएगा। और इस पाठ पर आधारित जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं उसे हम आपके सामने अगली चर्चा में प्रस्तुत करेंगे। आप इनका अध्ययन करें। धन्यवाद।